तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये मूल रोम जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया यानी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, वो भी मैं एक लाइन में लिख देती हूँ फटाफट। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया या सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मूल है ये तने या पत्तियों तक जल और खनिज पोषकों को कैसे पहुंचाते हैं, ये पहुंचाते हैं कुछ पाइप जैसी वाहिकाएं होती है जिन्हें ट्यूब्स या वेसल्स कहते हैं। कैसी, मैंने बताई आपको, तो ये जो पतली पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं जल और खनिज पोषकों को मूल या जड़ से तने और पत्ती की तरफ, और ये काम होता है विशेष कोशिकाओं का जो एक विशेष ऊतक बनाती हैं जिसका नाम होता है संवहन ऊतक। अब बेटा आपको पता है ऊतक क्या होता है, ऊतक इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कोशिकाओं का समूह, वह समूह जो एक विशेष कार्य को संपादित करता है, एक विशेष कार्य को परफॉर्म करता है। तो यहां पर वैस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक का काम होता है कंडक्शन ऑफ वॉटर, मतलब वो वॉटर और जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। तो इसमें जो, इसमें दो टाइप के वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से, एक होता है जाइलम, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। अब देखिए बच्चों आपको ये याद रखना है कि कौन सा वैस्कुलर टिश्यू किसको कंडक्ट करता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, जाइलम जो है वो कंडक्ट या ट्रांसपोर्ट करता है जल को, और फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को। अच्छा इनके दूसरे भी नाम होते हैं, क्या होते हैं, जाइलम को दारू कहते हैं, जाइलम टिश्यू को, और फ्लोएम को कहते हैं पोषवाह, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि आप कैसे याद रखोगे कि जाइलम जो है वह जल को कंडक्ट करता है, ज से जाइलम, ज से जल, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जाइलम जो है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, जल को। अच्छा ये तो हो गई जड़ों की बात, अब हम बात कर रहे हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या करेगा, जो फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है प्लांट के पार्ट में, कौन से पार्ट में फूड मैन्युफैक्चर होता है, पत्ती में, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाए जाते हैं। तो ये जो खाना होता है अगर पत्ती अपने पास में रख लेगी तो प्लांट तो मुरझा जाएगा, जड़ें कैसे काम करेंगी, उनको भी काम करने के लिए भोजन चाहिए। तो भोजन जो है वह पत्ती से जड़ों की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। वैस्कुलर टिश्यू कौन सा होता है जो इसमें इन्वॉल्व होता है, फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फूड, है ना, सिंपल तरीका याद करने का। इनफैक्ट जब मैं भी आपकी क्लास में थी तो मैं भी ऐसे ही याद करती थी। तो ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो ये दोनों वैस्कुलर टिश्यू आपको इस तरीके से याद करने हैं, जाइलम कंडक्ट करता है जल को या वॉटर, और फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को या भोजन। सो दैट्स ऑल अबाउट आर पादपों में परिवहन। अब हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में। मैं आपको ये टॉपिक इसीलिए पहले अनाउंस कर रही हूँ ताकि आप फटाफट से अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में से उस टॉपिक को पढ़ें, पढ़ के आए, वीडियो देखें और उसके बाद उस टॉपिक को पूरी तरह से समझें। थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।